थैंक यू, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. आज अपन एक नवीन कविता अभ्यासणार आहोत. युनिट भाग दोन मधली पहिली कविता जी आपली राहिलेली होती ती आहे दोन दिवस. ज्या कवितेचे कवी आहेत कवी नारायण सुर्वे. नारायण सुर्वे इनका नाम आपने सुना होगा. जो शाल लेसन हम लोगों ने देखा था शाल, उसमें इनका नाम था नारायण सुर्वे. फार मोठे कवी आहेत दोन दिवस. या नक्की दोन दिवस म्हणजे काय याचा अभ्यास आपण बघणार आहोत. आपण आपल्या कवितेला सुरुवात करतोय. दोन दिवस, कवी आहेत नारायण सुर्वे. सर्वात प्रथम कवी नारायण सुर्वे यांचा आपण परिचय पाहूया. इनके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे. नाव आहे नारायण सुर्वे. जन्म 1926 आणि मृत्यू आहे 2010. कविता संग्रह आहे ऐसा गा मी ब्रह्म, माझे विद्यापीठ, जाहीरनामा, सनद, नव्या माणसाचे आगमन. हे त्यांचे कविता संग्रह. त्यांनी प्रस्तावना आपण बघणार आहोत अगदी साध्या सोप्या भाषेमध्ये. दोन दिवस ही कविता कवी नारायण सुर्वे यांनी लिहिली आहे. या कवितेतून दोन दिवस वाट पाहण्यात गेले आणि दोन दिवस दुःखात गेले. ओके, या विषयी आपण अभ्यासणार आहोत. असे आपल्या जीवनाचे वास्तव चित्र रेखाटताना भाकरीचा चंद्र शोधण्यात जिंदगी बर्बाद झाली असे भीषण जीवन सत्य कवीने मांडलेले आहे. म्हणजेच काय हे पहिलं समजून घ्या. दोन दिवस, एक दिवस जन्म आणि एक दिवस मृत्यू. या दोन दिवसामध्ये आपण जगत असतो. कवी सांगतो या दोन दिवसामधले दोन दिवस, दोन सुखाचे दोन दुःखाचे दिवस माझ्या जीवनात आले. परंतु जीवनामध्ये दुःख एवढं होतं की संपूर्ण जीवन माझं फक्त दुःख झेलण्यात गेलं. भाकरीच्या पाठी पोट भरण्यासाठी माझं जीवन बर्बाद झालं. माझ्या मनातल्या इच्छा पूर्ण झाल्या नाहीत. बघा, आपल्या जगातील अगदी 70 ते 80% लोक अगदी हाल अपेष्टामध्ये मेहनत करून जगत असतात. त्यांचंही चित्र कवीने येथे मांडलेलं आहे. लक्षात घ्या, कवी सांगतोय जीवनाचे वास्तव चित्र मांडलेलं आहे कवीने. दोन दिवस प्रतीक्षेत चांगलं काहीतरी होईल, दोन दिवस दुःखात गेले आणि पोटाच्या भुकेसाठी संपूर्ण जीवन खर्ची पडलं, पूरा जीवन उसमें बीत गया. यही बात कवीने यहाँ पे बताने की कोशिश की है. थोडस कठीण आहे समजण्याला, पण अतिशय फार सुंदर अशी कविता आहे कवी नारायण सुर्वे यांची. ओके, या कवितेचे कवी आहेत नारायण सुर्वे. आणि या कवितेत कवीने काय सूचित केले आहे, सूचित केले आहे म्हणजे सांगितलेले आहे. दोन दिवस वाट पाहण्यात गेले आणि दोन दिवस दुःखात गेले असे आपल्या जीवनाचे वास्तव चित्र रेखाटताना भाकरीचा चंद्र शोधण्यात संपूर्ण जिंदगी बर्बाद झाली हे कवीने येथे सांगितलेले आहे. आपण आपली कविता जी आहे ती कविता पाहूया. ओके, मी कविता वाचतोय, तुम्ही पुस्तकामध्ये लक्ष दिलात तर फार सुंदर होईल. अतिशय सुंदर कविता आहे, आपल्याला नीट ती समजून घ्यायची आहे. कवी सांगतो दोन दिवस वाट पाहण्यात गेले, दोन दुःखात गेले. हिशोब करतो आहे किती राहिले डोईवर उन्हाळे. शेकडो वेळा चंद्र आला, तारे फुलले, रात्र धुंद झाली. भाकरीचा चंद्र शोधण्यातच जिंदगी बर्बाद झाली. हे हात माझे सर्वस्व दारिद्र्याकडे गहाणच राहिले. कधी माना उंचावलेले, कधी कलम झालेले पाहिले. हर घडी अश्रू वाळविले नाहीत, पण असेही क्षण आले तेव्हा अश्रूच मित्र होऊन साह्यास धावून आले. दुनियेचा विचार हर घडी केला, अगा जगमय झालो. दुःख पेलावे कसे, पुन्हा जगावे कसे, याच शाळेत शिकलो. झोत भट्टीत शेकावे पोलाद, तसे आयुष्य छान शेकले. दोन दिवस वाट पाहण्यात गेले, दोन दिवस दुःखात गेले. बघा, कवीने फार सुंदर असं लिहिलेलं आहे. ओके, कवी सांगतात माणसाचं जीवन हे अत्यंत अल्प आहे, अत्यंत कमी आहे, याद रखना. कवी सांगतोय आणि या दोन दिवसात खरं नारायण सुर्वे यांच्या जीवनामध्ये अगदी हालअपेष्टा आल्या. एका गरीब कुटुंबामध्ये त्यांचं पालन पोषण झालं.
संपूर्ण जीवन दुःखात गेल्याने आपल्या दुःखमय जीवनाची व्यथा ते येथे मांडताय. ते काय सांगतायत बघा, मी सांगितलं ना, दोन दिवस दो दिन याने एक दिवस जन्म आणि एक दिवस मृत्यू, या दोन दिवसामध्ये आपण आयुष्यभर जगत असू. काही जणांच्या वाट्याला 60 वर्षाचं आयुष्य येतं, काही जणांच्या 100, काही जणांचं 80, काही जणांचं 10 वर्ष, काही अत्यंत कमी. या कमी आयुष्यामध्ये प्रत्येक जण हा आपल्या परीने जगत असो. इन कम ये जो जीवन का पीरियड है इसमें सब लोग अपने अपने तरीके से जीते है. ओके, कभी भी वैसा ही जिया. कभी सांगतो, दोन दिवस वाट पाहण्यात गेले, दोन दिवस दुःखात गेले, हिशोब करतो आहे किती राहिले डोळीवर उन्हाळे. कवी सांगतोय, दोन दिवस दुःखात वाट पाहण्यात गेले म्हणजेच आयुष्यामध्ये चांगले दिवस येतील, माझ्या जीवनात चांगलं काहीतरी होईल हे पाहण्यामध्ये माझे दोन दिवस गेले. दोन दिवस दुःखात गेले, चांगलं तर आलं नाही, उलट वाट्याला फक्त दुःखच आलं माझ्या, त्यामुळे माझं आयुष्य फक्त दुःख झेलण्यामध्ये गेलं. आता कवी सांगतो, आयुष्याच्या शेवटी हिशोब करतो आहे, हिशोब याने हिसाब लगा राहो, डोईवर, डोईवर म्हणजे डोक्यावर, किती राहिलेत उन्हाळे, उन्हाळे म्हणजे दुःख. कवी काय सांगतो बघा, कवी नारायण सुर्वे यांचा एकंदरीत अगर आपने उनकी ऑटोबायोग्राफी या बायोग्राफी पढ़ी तो आपको समझ में आएगा कि उनका पूरा जीवन संघर्ष से भरा हुआ था. घर में गरीबी थी, पैसा नहीं हुआ करता था और उसी छोटे से एक चाल में वो रहा करते थे. त्यामुळे जीवनाचा प्रवास अत्यंत संघर्षमय खडतर होता. खडतर याने स्ट्रगल भरा था, दुख फार कठिन होता. आलेला रोजचा दिवस, मतलब जैसे गरीब लोग जीते वैसे वो जीते थे. मतलब डेली वेजेस पे लोग रहते ना, आज कमाया आज खाया, उससे भी बदतर उनकी जिंदगी थी. हाँ, कल मेरा शायद अच्छा होगा इसी उम्मीद पे वो जीते थे. म्हणून कवी सांगतो, दोन दिवस वाट पाहण्यात गेले. कुठली वाट पाहण्यात गेले? आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी मेरे जिंदगी में अच्छे दिन आएंगे, चांगले दिवस येतील, वो देखने में मेरे दो दिन निकल गए. पण कवी सांगतो, ते काही आले नाहीत, उलट वाट्याला अधिकच दुःख येत राहिलं, जीवन में और दुःख आते गया. म्हणून कवी सांगतो, दोन दिवस दुःखात गेले, हिशोब करतो आहे. अभी इतना सब झेलने के बाद अभी भी उम्मीद, देखिए दुनिया उम्मीद पे जीती है दोस्तों. ओके, कवी सांगतो, हिशोब करतो आहे, आज मैं हिसाब जब लगा रहा हूं कि अजून किती दिवस मला हे दुःख सहन करायचा है. जैसे अपना कोरोना हो गया, 3 महीने कंप्लीट हुए, अभी भी हम लोग सोच रहे और कितना महीना घर पे बैठना है, बोर हो गए हम लोग और कुछ नहीं कर पाते दोस्तों, कुछ नहीं, ना बाहर जा सकते हैं, लॉकडाउन तो निकाल दिया फिर भी घर वाले बोल रहे बाहर जाना मना है, नोटिस बोर्ड लगा दिए है हर सोसाइटी में. मतलब जीवन देखो कैसा हो गया, जीना चाहते हैं लेकिन जी नहीं पा रहे दोस्तों. कवी तेच सांगतो की मला जगायचं होतं चांगलं आयुष्य, आनंदामध्ये सुखामध्ये मला जगायचं होतं, माझ्या आयुष्यामध्ये सुख येईल हे पाहण्यात माझे दोन दिवस गेले, सुख तर काही आलं नाही आणि दुःखच येत बसलं. दर दिन कोरोना के पेशंट बढ रहे, तो अपना भी ब्लड प्रेशर बढते जा रहा है दोस्तों, और हर समय वही डर लग रहा है. जैसी बाहर जाकर आते हैं तुरंत अंदर जाकर नहा लेते, गरम गरम पानी से साबुन लगा देते हैं. कवी तेज सांगतोय, दोन दिवस दुःखात गेले, अच्छे दिन आएंगे बोल के जीवन में केवल दुख आए, हिशोब करतो आहे, हिसाब कर रहा हूं और कितना दुख मुझे जीवन में झेलना है, अजून मला किती दिवस दुःख झेलायचं आहे. कवी सांगतोय आपल्याला, लक्षात घ्या. ओके, पुढचं आपण बघतोय. कवी सांगतोय, शेकडो वेळा चंद्र आला, तारे फुलले, रात्र धुंद झाली. देखो दोस्तों, अभी ये जो दो काव्य पंक्तियां है, ये दोनों काव्य पंक्तियां लेखक का इमेजिनेशन है, लेकिन वो इमेजिनेशन कैसा है ये समझ के चलना आप. मतलब कवि ये कहना चाहता है कि ऐसा नहीं है कि मेरे जीवन में सुख के दिन नहीं आए, मैंने सुख देखा नहीं, मेरे जीवन में अच्छे दिन नहीं आए, लेकिन मैं उनका उपभोग नहीं ले पाया. देखो, आज कोई नहीं है ट्रैफिक रोड पे, आज कोई रश नहीं है बाजार में, ओके, आज कोई नहीं है गार्डन में, फिर भी हम लोग घूमना चाहे तो भी घूम नहीं सकते, मजा लेना चाहे तो भी नहीं ले सकते.
बहुत भीड़ होती है, सब लोग चिल्लाते थे ये मुंबई शहर में बहुत भीड़ है, ये ट्रेनों का आवाज, ये गाड़ियों की आवाज। आज कुछ भी नहीं है दोस्तों, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी कोरोना के डर से चुपचाप घर पे बैठ गए। देखो ऐसा लग रहा है ना यार, लाइफ के 3 महीने बर्बाद हो गए, चाइना वालों को दिल खोल कर गाली दे रहे दोस्तों। ओके कवि तेज सांगतो, कवि काय सांगतो बघा, शेकडो वेळा चंद्र आला, तारे फुलले, रात्र धुंद झाली, इन सबका अर्थ एक ही है, लक्षात घ्या। जीवन में सुख आया लेकिन उस सुख का उपभोग मैं नहीं ले पाया, जीवनात मला सुख मिळालं, सुख आलं, पण त्या सुखाचा जो आनंद आहे तो आनंद काही मला घेता आला नाही। कवी काय सांगतोय बघा, शेकडो वेळा चंद्रासारखे चमचमते शीतल प्रकाशाचे दिवस मी पाहिले, तारे फुललेले पाहिले, रात्री धुंद झालेल्या आनंद, रात्री धुंद झाल्या म्हणजे आनंदी आनंद जीवनामध्ये होता, पण मला मात्र ते जीवन उपभोगता आलं नाही, बर्बाद झाली, नष्ट झाली। जिंदगी बर्बाद होणे म्हणजे जीवन नष्ट होणे, आता का नष्ट झाल्या लक्षात घ्या। घरी गरीबी एवढी होती ना विद्यार्थी मित्रांनो, आकाशात चंद्र दिसतो माहिती, फार सुंदर असतो तो चंद्र, पण पोटात आग असली ना, अगर पेट में आग हो ना तो उस चंद्र की सुंदरता भी हमें नहीं दिखाई देती, लक्षात घ्या हा फरक, लक्षात घ्या। कवी तेज सांगतोय, जीवन जगत असताना अवती भोवती अशा अनेक गोष्टी होत्या ज्या हव्या हव्याशा वाटत होत्या, लक्षात घ्या। जीवन में ढेर सारी चीजें ऐसी थी जो मुझे चाहिए थी, मैं पाना चाहता था, पण कवी सांगतो रियलिटी ये थी कि मला त्या कधीच मिळू शकल्या नाहीत, मुझे कभी वो मिली ही नहीं, लक्षात घ्या। सांगितलं ना जीवन इतना दाहक हो गया ना दोस्तों, मतलब 2 करोड़ की मर्सिडीज है फिर भी अंदर बैठा हुआ ड्राइवर ऐसा मुंह लटका के बैठता है ना, मानो जीवन में कितना दुख हो, इतना टेंशन लेके बैठ जाता है। देखो 2 करोड़ की मर्सिडीज में बैठा है फिर भी चेहरे पर खुशी नहीं है। कवी तेज सांगतो कि माझ्या जीवनात दुख का आला, उलट 2 करोड़ की मर्सिडीज में बैठा तो कितना खुशी होना चाहिए ना, फिर भी ऐसा टेंशन में हॉर्न बजाते, जोर जोर से हॉर्न बजाते बैठता है, आस्वाद नहीं ले सकता क्योंकि जीवन में दुख है। सेम कंडीशन है दोस्तों, मैंने कहा ना दुनिया गोल है, पाप का डबल रोल है, वैसा है दोस्तों। सॉरी कवी संग तो भाग जीवनाचे वास्तव इतके दाहक होते कि त्यांना त्या कधीच मिळू शकल्या नाही, भाकरीचा चंद्र शोधण्यास जिंदगी बर्बाद झाली। अच्छा भाकरीचा चंद्र यानी पेट की आग बुझाने में, अभी चंद्र भाकरी कशी असते, रोटी गोल होती है, चंद्रमा अपना कैसे होता है, गोल होता है, लेकिन चंद्रमा देखो कैसे होता है, चंद्रमा शीतल होता है, चंद्रमा सुंदर होता है, सौंदर्य से भरा हुआ होता है। लेकिन कवि कहता है, नारायण सुर्वे सांगता, वो मेरी वो जो चंद्रमा था बहुत सुंदर था, शीतलता देता था, वातावरण में जो गर्मी थी वो नष्ट कर रहा था, लेकिन वो शीतलता में अनुभव नहीं कर पाया, ती शीतलता में अनुभवली नाही कारण माझ्या पोटामध्ये आग होती, ती आग खाने की रोटी की आग थी, केवल रोटी ही उसे बुझा सकती थी, रोटी भी चंद्रमा की तरह गोल थी। म्हणून कवी सांगतो भाकरीचा चंद्र शोधण्यात जिंदगी बर्बाद झाली, जिंदगी पेट का मजा देखो ना दोस्तों कैसे, इतना सा है अगर उसका मेजरमेंट लोगे तो 1 फीट भी नहीं है, लेकिन कितना भी भरो खाली रहता है, ये दिल मांगे मोर हर 3-3 घंटे में बोलता है, भूख लगी है, भूख लगी है, काही तरी खायला द्या। कवी तेज सांगतो ये पेट की आग बुझाने के लिए, क्योंकि घर में गरीबी इतनी थी दोस्तों, याद रखना। ओके घर में गरीबी इतनी थी कि पेट की आग बुझाने में सारी जिंदगी बर्बाद हो गई। म्हणून कवी सांगतो भुकेच्या तीव्र भावनेत आकाशाचा सुंदर चंद्र देखील त्यांना भाकरी सारखा दिसतो, म्हणूनच कवी म्हणतो मी चंद्राच्या सौंदर्याचा आस्वाद कधी घेऊ शकलो नाही, पण माझ्या पोटासाठी भाकरीचा चंद्र मिळवण्यातच माझे सगळे आयुष्य बर्बाद झाले। देखो दोस्तों गरीबों के लिए 2 वक्त की रोटी भी बड़ी बात होती है,
याद रखना, हम लोग अंबानी से लेके अपने फैमिली तक सब लोग क्यों कमा रहे, क्यों इतना भागा दौड़ी कर रहे हैं, ऑनलाइन काम। देखो 3 महीने की छुट्टी मिली फिर भी लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं, 12 12 8 8 घंटा, सुबह 7 बजे से रात के 10 बजे तक ऑनलाइन काम करते रहते, लगे रहते काम पे। क्यों? क्योंकि 2 वक्त की रोटी मिलनी चाहिए, पैसा आना चाहिए। कवीचीपन 30 अवस्था है। क्या मैं कवि संग तो भाकरी चा चंद्र शोधन्यात जिंदगी बर्बाद झाली। जिंदगी मतलब जिंदगी का आस्वाद मैं ले ही नहीं सका, केवल जिंदगी जीना है। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। यही सोच में मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। कवि संग पुढच्या लाईनीत कवी काय सांगतो बघा। हे हात माझे सर्वस्व, सर्वस्व याने सब कुछ, लक्षात घ्या एवरीथिंग। दारिद्र्याकडे, दारिद्र्य याने गरीबी, गहाण याने गिरवी, उंचावलेले उभारलेले, कलम होणे छाटले जाणे कट होणा। कवी काय सांगतो बघा। हे हात माझे सर्वस्व, दारिद्र्याकडे गहाणच राहिले, कधी माना उंचावलेले कधी कलम झालेले पाहिले। देखो हात, हाथ किसका प्रतीक है दोस्तों? कांग्रेस का नहीं, हाथ अपने कष्ट का प्रतीक है, कर्तृत्व का प्रतीक है। लक्षात गया, इन्हीं हाथों से इस दुनिया में बड़े बड़े क्रिएशन किए गए। कवि संग तो इन्हीं हाथों से दुनिया की बड़ी बड़ी चीजें निर्माण की गई। मुझे भी वैसा ही करना था। कवि संग तो यह हाथानी मी कष्ट के लिए, यह हाथ यानी मेरे कर्तृत्व थे, मेरे सब कुछ थे, लेकिन गरीबी इतनी थी कि इन हाथों से मैं कुछ क्रिएट ही नहीं कर पाया। केवल गरीबी से, इन हाथों से मैं गरीबी से लड़ता रहा। लक्षात गया, टैलेंट होने के बाद भी घर की स्थिति ऐसी थी, कर्तृत्व होने के बाद भी घर की स्थिति ऐसी थी कि 2 वक्त की रोटी जुटा कर पाने में ही मेरी पूरी जिंदगी निकल गई। मनु कवि संग तो हे हाथ माझे सर्वस्व, पण ते दारिद्र्याकडे मी तारण ठेवले, लेकिन गरीबी के पास मैंने वो गिरवी रख दी। क्योंकि मैं गरीबी के दलदल में मैं इतना फसा हुआ था कि मला तिथून बाहेरच येता आलं नाही। म्हणून कवी सांगतो दारिद्र्याकडे गहाणच राहिले, गहाण याने गिरवी। लक्षात घ्या, कधी माना उंचावलेले कधी कलम झालेले पाहिले, याने कधी माझे हात मी आभाळ कवेत घेण्यासाठी अभिमानाने उभारले, कधी माझ्या हातून मान अभिमानाने उंचावेल असे कर्तृत्व घडले। मन में मैंने बहुत बड़े बड़े स्वप्न देखे, लेकिन गरीबी के कारण उन हाथों को मुझे एक जगह जाकर रोकना पड़ा, एक जगह जाके मुझे रुकना पड़ा। कभी काय संग तो समझून गया। ओके, क्या आया बाबा? कवी काय सांगतोय, कधी कलम झालेले पाहिले। कलम जाणे याने हात को काट देना, बीच में से हात काट देते ना, त्याला मराठीमध्ये कलम होणे म्हणजे कापून टाकणे असं म्हटलं जातं। पण कवी सांगतो, कवी काय सांगतोय बघा, कवी आपल्याला सांगतोय कि मैंने भी बड़े बड़े सपने देखे थे, इन हाथों से मैं मेरी जिंदगी बनाऊंगा, या हाथाने मी माझं आयुष्य घडवीन, इन हाथों से मुझे जो चाहिए वो मैं कमा लूंगा। ये सब कवि कहता है, लेकिन कवि संग तो घर में इतनी गरीबी थी, घरी एवढी गरीबी होती कि मला फक्त 2 वेळेचं जेवण कसं मला मिळवता येईल यासाठीच माझ्या हातांना काम करावं लागलं। म्हणजेच बडे बडे सपने देखे थे, लेकिन उन सपनों को मुझे नष्ट करना पड़ा, हाथ कलम करावे लागले। कवी सांगतोय, समजून घ्या विद्यार्थी मित्रांनो, कवी अपने गरीबी का वर्णन यहाँ पे कर रहा है। म्हणून कवी 2 दिवस वाट पाहण्यात गेले, 2 दिवस दुःखात गेले। म्हणून कवी सांगतोय, कवी म्हणतात माझे हात माझे सर्वस्व आहेत, मेरे हात मेरा सब कुछ था, या हातांच्या सहाय्यानेच मी अनेक नवीन चांगल्या गोष्टी करू शकलो असतो, पण मी नेहमी या गरिबीतच अडकून राहिलो। आपको भी पता रहेगा दुनिया में इतने टैलेंटेड लोग हैं, बहुत सारी क्वालिटीज है, लेकिन कभी कभी बहुत सारे अपने बच्चे देखे रहेंगे, 97 98% मिला, मेडिकल में जाना था लेकिन फीस भरने के लिए पैसा नहीं था तो मेडिकल छोड़कर चुपचाप बीएससी करना पड़ा, या बीएससी करके कोई और जॉब करके कहीं पे एक नौकरी करनी पड़ी। कभी तेज संग तो
कि अंदर बहुत कुछ करने की जिद थी लेकिन घर में गरीबी इतनी थी कि इस गरीबी में मैं अटका रहा आणि मेरे हाथों का उपयोग माझ्या हाताचा उपयोग क्रिएशन के बजाय मैंने केवल रोजमर्रा की जिंदगी जीने के लिए किया। म्हणून कवी सांगतो रोजचे जीवन जगण्यासाठी मी माझ्या हातांचा उपयोग केला, पण कधी कधी दारिद्र्यात गुंतलेले माझे हात माना उंचावलेले पाहिले। म्हणजेच काय माना उंचावलेले पाहिले यानेच नवीन काहीतरी करण्याची इच्छा मनात निर्माण झाली। पण जसे सभोवतालची परिस्थिती आणि वास्तवाची जाणीव झाली की वाटायचे माझे हात जणू कोणीतरी छाटून टाकले। लिमिटेशन आते थे दोस्तों, सपने बड़े बड़े देखे थे लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए लिमिटेशन थे। उस लिमिटेशन के लिए कवि कहता है कधी कलम झालेले पाहिले, मुझे मेरे उन लिमिटेशन को पूरा करने के लिए मतलब उन लिमिटेशंस के कारण मैं कुछ भी नहीं कर पाया। म्हणून कवि सांगतो की माझे हात कोणीतरी छाटून टाकले आहेत, माझ्या सगळ्या आशा उमेदी संपूर्ण जातात। वो जब लिमिटेशन्स आते तो सारी उमेद मेरी रुक जाती है। वही पे लक्षात घ्या कवी तेच सांगतोय विद्यार्थी मित्रांनो। त्यानंतर कवी काय सांगतो बघा, हर घडी अश्रू वाळविले नाही पण असेही क्षण आले तेव्हा अश्रूच मित्र होऊन सहाय्यास धावून आले। हर घडी म्हणजे प्रत्येक वेळेला अश्रू याने आसू आखो के आसू वाळविले याने सुकाना नाही। कवी सांगतो जब जब मुझे रोना आया, जब मैंने अपना आपा खो दिया, मैं कंट्रोल नहीं कर पाया, मैंने मेरे आंसुओं को नहीं रोका, मेरे आंसुओं को मैंने भर दिया मतलब बहने दिया क्योंकि वही तो मेरे साथी थे। कवी तेज संगत लक्षात घ्या कवी काय सांगतात। कवी नारायण सुर्वे यांना आपल्या जीवनातील सतत हाल अपेष्टा अपमान उपेक्षा उपेक्षाने कोई भी किंमत नहीं करता था याचा सामना करावा लागला, परिस्थिती के साथ हमेशा संघर्ष करना पड़ा। लक्षात घ्या अशा या संघर्षमय जीवनातून जात असताना कधी कधी खूप रडावस वाटलं, उन्होंने अपने मन को बहुत स्ट्रांग बना दिया लेकिन एक पल ऐसा भी आया कि आंखों से आंसू छलक ही गए। कवि संतो इस पूरी दुनिया में अगर मेरा कोई सच्चा साथी था तो वो केवल मेरे आंसू थे क्योंकि जब मैं रोया करता था इस दुख भरी जिंदगी के कारण क्योंकि मैंने जिंदगी से लड़ा। कवि संतो मैं आयुष्याशी लड़लो लक्षात घ्या, जिंकण्यासाठी मैंने 100% स्ट्रगल भी किया लेकिन मुझे सक्सेस नहीं मिला, फिर भी मैंने अपने मन को संभाला आंसुओं को रोका लेकिन एक समय ऐसा आया जब मैं रो पड़ा। लेकिन कवि संतो ये अश्रु मेरे दोस्त थे, क्यों? जब भी मैं रोया मेरा दुख मेरा दर्द हल्का हुआ और दुख दर्द जो हल्का कर देता है उन्हें कम कर देता है त्याला काय म्हटलं जातं, त्याला मित्र म्हटलं जातं। लक्षात घ्या म्हणून कवी सांगतो की मन घट्ट केलं तेव्हाच अश्रू होऊन सायास धावून आले। कवी सांगतो डोळ्यातील अश्रू वाहू दिले नाही पण कधी कधी असेही प्रसंग आले, कभी कभी ऐसे भी पल आए, मनात दडवलेले दडवलेले आणि छुपाए हुए दुःख वेदना यांना मोकळी वाट करून देण्यासाठी अश्रूच मित्रासारखे मदतीला धावून आले। नेहमी लक्षात घ्या, म्हणून तुम्ही लहान मुलं बघा नेहमी आनंदी असतात, त्यांना वाईट वाटलं रडतात, रडलं की त्यांचं दुःख कमी होतं आणि मग पुन्हा ते हसायला सुरू करतात आणि मोठी माणसं दुःख आलं की रडत नाही, ते मनातल्या मनात ठेवतात आणि मग ते दुःख वाढत जातं। म्हणून कवी सांगतो दुःख वेदना यांना मोकळी वाट करून देण्यासाठी अश्रूच मित्रासारखे मदतीला धावून आले। म्हणजेच काय, मन में दुख था किसी के सामने व्यक्त नहीं कर पाता था क्योंकि किसी के सामने अगर व्यक्त किया तो शायद अपना मजाक उड़ा दे और दुख में डाल दे। कवि संतो कभी कभी जब मैं अकेले में होता था मैं रो लेता था लेकिन जब भी मैं रो लेता था इन आंसुओं ने मुझे सहारा दिया, मेरा जो भी दर्द था मेरे अंदर जो भी दुख था वो कम हुआ करता था। म्हणून कवि त्याला मित्राची उपमा देतोय। कवि काय सांगतोय बघा, म्हणजेच काही प्रसंगी आपल्या मनातले दुःख इतरांपाशी व्यक्त न करता ते फक्त मनोसक्त रडले, रडल्यामुळे त्यांचे दुःख हलके झाले। लोक आजकाल हसते भी नाही दोस्तों, मैंने कहा ना दो
करोड़ की मर्सिडीज में बैठा है, लेकिन चेहरा ऐसा करके सीट पे बैठ जाता है कि मानो दुनिया भर का सर पे बोझ हो। एसी लगाया हुआ है फिर भी उसको पसीना छूटता है, गर्मी होते विंडो खोल देता है, क्या करे। देखो दोस्तों कवी तेज सांगतो, रडल्यामुळे माझे दुःख हलके झाले, त्यांच्या दुःखात त्यांना त्यांच्याच अश्रूंनी एखाद्या मित्रासारखी साथ दिली, मदत केली। म्हणून कवी सांगतो की माझे अश्रूच माझे मित्र झाले, अशा प्रकारे हे कवी फार सुंदर वर्णन करतोय, लक्षात घ्या। पुढे कवी काय सांगतो बघा, दुनियेचा विचार हर घडी केला, अगा जगमय झालो दुःख पेलावे कसे, पुन्हा जगावे कसे याच शाळेत शिकलो। कवी फार सुंदर लिहितोय, लक्षात घ्या। कवी सांगतो एकल कोंड्यासारखा, मैंने सिर्फ अपने ही बारे में नहीं सोचा। बघा कवी का दुःखी आहे, कवी सांगतो मैंने केवल अपने बारे में नहीं सोचा, मैंने दुनिया का सबके बारे में सोचा। म्हणून कवी काय सांगतात बघा, कवी नारायण सुर्वे जिथे राहत होते तिथे त्यांच्या आजूबाजूला सगळी गोर गरिबांचीच वस्ती होती, अगल पडस में सभी गोर गरीब रहते थे, सगळ्यांचे जीवन हाल अपेष्टांनी भरलेले होते। कधी नारायण सुर्वे यांना आजूबाजूच्या समाज बांधवांचे दुःख पाहवत नव्हते, स्वतः दुःखी कष्टी असूनही त्यांनी नेहमी इतरांच्याच दुःखाचा विचार केला। म्हणून कवी सांगतो दुनियेचा विचार हर घडी केला। जैसे दोस्तों थोडा सा आउट ऑफ द ट्रॅक बता रहा हूं, लेकिन हम लोग भी वैसे ही है, कभी हम लोग होमवर्क नहीं करते तो दूसरे का नोटबुक लेके बैठ जाते, कल थोड़ा नोटबुक दिया मैंने होमवर्क, कॉपी पेस्ट मार देते, कभी अपना दोस्त होमवर्क नहीं करता तो उसको सहारा दे देते हैं, पूरी दुनिया अपनी दोस्त बन जाती है क्योंकि अपने ग्रुप में सभी वैसे होते। कवि संग तो माजा मेरे भी अड़ोस पड़ोस में जो भी थे दुखी थे, तो उनका दुख दूर करने के लिए मैंने हमेशा उनके बारे में सोचा, मैं खुद दुखी था, मैं खुद कष्टी था, कष्टी याने दुखी, लक्षात घ्या, त्रास होता मला देखील, पण मी नेहमी लोकांचा विचार केला। म्हणून कवी सांगतो दुनियेचा विचार हर घडी केला, मी कधी स्वार्थी झालो नाही, मी या जगाचा समाजातील माणसांचा विचार केला, त्यांची सुख दुःखे मी आपली मानली। म्हणून ते सांगतात अगा जगमय झालो, मैं पूरी दुनिया के साथ एक रूप हुआ, एक रूप होना याने जगमय झालो। म्हणून कवी सांगतो प्रत्येक क्षणी त्यांनी दुनियेचा विचार केला, मान अपमान बरे वाईट सुख दुःख सगळं सगळं पचवून सब मैंने सहन किया, लेकिन मैं दुनिया के दुख के साथ एक रूप हुआ। जगातल्या अनेक बऱ्या वाईट घटनांशी ते समरूप झाले, किसी के साथ दुख हुआ तो उसे अपना दुख मान लिया और उसे सपोर्ट करने चले गए। जगाच्या या शाळेत कवी सांगतो दुःख झेलावे, दुःख सहन कसे करावे, दुःखावर मात करून पुन्हा नव्या उमेदीने जीवनाला कसे सामोरे जावे, हसत हसत कसे जगावे, हे या जगाच्या शाळेने मला शिकवले। और सच भी है दोस्तों, आप देखना कभी दोस्तों, गरीबी इंसान को सब सिखा देती है। आपने कभी ट्रेन पे प्लेटफॉर्म पे उन छोटे बच्चों को देखा रहेगा जो सुबह सुबह हाथ में कटोरा लेके भीख मांगते, 6-7 साल के वो बच्चे आपने देखा होगा। देखो हम लोग जब सुबह उठते हैं ना, अपनी माँ देखा कितने प्यार से उठाती थी, ए राजा ए सुनो उठना उठ चल 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 स्कूल जाना है, स्कूल बस आएगी, माँ बड़े प्यार से उठाती थी, है ना, है ना, गोदी में लेके फिर बाथरूम लेकर जाती थी, फिर खुद ही ब्रश पे कोलगेट दिया करती थी, फिर हम लोग नींद में होते थे वो खुद ही हमें कोलगेट लगाया करती थी, फिर नहलाती थी, जैसी बाहर आते थे टॉवेल से पोछा करती थी, जॉनसन एंड जॉनसन बेबी सोप हुआ करता था, फिर ब्रेकफास्ट मिलता था, है ना, वो दूध में प्रोटीन या ग्लूकोन डी जो भी था अपना, सॉरी जो प्रोटीन्स खाते वो थे, फिर टिफिन में लंच बॉक्स होता था, फिर अप टू डेट इस्त्री किए हुए कपड़े टाई कंगी बिंगी करके मस्त एकदम पेटी पैक पीस बना के वैन में डाल देती थी, और या से टाटा करती थी, वाटर बॉटल भी अपनी भारी होती थी, टिफिन बॉक्स भारी होता था डीमार्ट से लाया हुआ। लेकिन वो गरीब का बच्चा जब सुबह उठता है ना, उसकी माँ ना उसको दोस्तों कोलगेट नहीं देती, उसकी माँ उसको कटोरा दे देती है, याद रखना, और उसको बोलती है जा अगर नाश्ता करना है तो भीख मांग, फिर वो भीख मांगता है फिर उसे 2 वक्त सुबह का चाय नाश्ता मिल जाता है। देखो इतना छोटा बच्चा आपने देखा होगा दोस्तों, पूरी बंबई घूमता है लेकिन कभी खो नहीं जाता, अपना बच्चा देखा कॉलोनी में ही से गायब, ऐसा नमूने गिरी
कवि तेज संगतो है, कवि संगतो दुख हमेशा सिखा देता है, गरीबी ने मुझे सिखा दिया। आपने देखा होगा दोस्तों उन बच्चों को, इतनी बारिश, इतने बारिश में भीगते, कुछ बुखार नहीं आता। हम लोग थोड़े भी बालकनी में गए, थोड़ी बारिश की बूंदे हमें छींक शुरू हो गई, चलो फिर अंदर, चलो अंदर चुपचाप लेट जाओ। कवि तेज संगतो है कि यह दुख झेलावे कसे, सहन कस कराव, दुखावर मात करून दुख पर विजय कैसी प्राप्त करनी है, और इस जीवन को सामने कैसे जाना, इस दुख भरी जीवन में मैंने सीखा। हसत हसत दुख जगावे कसे, बगा हसत हसत कस जगाइच, हे या जगाच्या शाळेत मी शिकलो। म्हणून कवी सांगतो म्हणजेच या जगानेच त्यांना दुःखही दिले, आणि या जगानेच त्यांना दुःख विसरून आनंदाने कसे जगावे हे देखील शिकवले। म्हणून कवी सांगतो दुःख झेलावे कसे, पुन्हा जगावे कसे, याच शाळेत शिकलो। झोत भट्टी शेकावे पोलाद, तसे आयुष्य छान शेकले, दोन दिवस वाट पाहण्यात गेले, दोन दिवस दुःखात गेले। झोत भट्टी यानी लोहे की भट्टी होते ना, जहाँ लोहा लोहा आयरन जो होता है उसको पिघलाया जाता है, लक्षात गया। यहाँ पे पोलाद है ना, पोलाद उसका मीनिंग थोड़ा दोस्तों गलत आया, झेलावे नहीं, पोलाद यानी लोखंड, लक्षात गया, लोहा जिसे हम लोग कहते हैं ना, तो उसे उसे मेल्ट जहाँ पे किया जाता है उसको मराठी में झोत भट्टी बोला जाता है, याद रखना। कवि तेज संगतो यानी गरीबी की झोत भट्टी में, मतलब आग में जैसे लोहा पिघलता है, वैसे गरीबी के आग में मैं अच्छा खासा पिघला, यानी आयुष्य छान शेकले, लक्षात गया। ओके कवी तेज सांगतोय, कवी परळच्या चाळीत वाढले, कमालीचे दारिद्र्य, कमाली यानी बहुत गरीबी थी, अप्रंपार अनलिमिटेड कावाड कष्ट होते, बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, जगण्यासाठी केलेला संघर्ष, कवी सांगतो इसी म्हणून मम्मी पप्पा कहते हैं ना अभी सीख लो हम है तो समझ में नहीं आ रहा है, बाहर जाओगे ना दुनिया इतनी अच्छी नहीं है, फिर मम्मी पापा की याद आएगी, फिर समझो, ये सब जो हमें डायलॉग लगते हैं ये रियलिटी है दोस्तों, जिंदगी वैसी है, इतनी अच्छी जिंदगी है नहीं बाहर। कवी तेज सांगतो केलेला संघर्ष, यातून त्यांचे छान आयुष्य चांगले शेकून निघाले, म्हणजे कवी सांगतोय की आयुष्य फार कठीण गेलं माझं, पण या आयुष्याने मला बरंच काही चांगलं चांगलं शिकवलं। म्हणून कवी यहाँ पे एक थोडा इमॅजिनेशन कर रहा है, एखाद्या भट्टीत पोलाद लोहा जैसे गरम होता है और फिर उसे एक अच्छा खासा इतना जबरदस्त शेप आता है कि उसे कोई तोड़ नहीं सकता। कवी तेज सांगतोय पोलाद जसे तापून निघते त्याप्रमाणे दुनियेचा दाहक बहुत बुरे अनुभव से माझे आयुष्य देखील दुःख झेलून जगण्यास सिद्ध व समर्थ झाले, यानी मैं भी उतना रफ एंड टफ हो गया। वो गरीब के बच्चे मैंने बोले ना जो प्लेटफॉर्म पे भी, अरे चलती ट्रेन से चढ़ जाते, मतलब चढ़ना नहीं है उतरना भी नहीं है, चुपचाप गाड़ी रोकने, लेकिन वो देखो उनकी जिंदगी कैसी है दोस्त। कवी सांगतो जगण्यास सिद्ध व समर्थ झाले, म्हणून कवी सांगतो माझे दोन दिवस जगण्याच्या नव्या उमेदीची वाट पाहण्यात गेले आणि दोन दिवस दुःखात गेले, मतलब जिंदगी दुख भरी थी लेकिन कल मेरा दिन अच्छा आएगा, कल मेरा दिन अच्छा आएगा, वो सोच में आए हुए दुख को मैंने झेलना सीखा, उस दुख में भी खुश रहना सीखा, उस दुख में भी मैंने पॉजिटिव सोच करने सीखी। म्हणून कवी सांगतो दोन दिवस वाट पाहण्यात गेले, दोन दिवस दुःखात गेले, जणू कवी सांगतो की या दोन दिवसामध्ये जगण्याची नवीन उमेद माझ्यात निर्माण केली आणि दोन दिवस दुःखात गेले, मी ते दुःख विसरून गेलो। अशा प्रकारे पूरे पाठ में कवी जो है, माफ करना, कवि जो है इन्होंने अपने जीवन की कहानी यहाँ पे बताई हुई है कि जीवन जगत असताना मला कसा दुखाचा सामना करावा लागला आणि ते करत असताना मी त्यातून कसा बाहेर आलो आणि जीवन जगलो। दोस्तों यहाँ पे होमवर्क है तुम लोगों के लिए, यहाँ पे जो होमवर्क है क्वेश्चन वन, क्वेश्चन टू, क्वेश्चन नंबर थ्री, ओके, और क्वेश्चन नंबर फोर, ये जो फोर जो है, फोर चार में से कोई भी दो आपको लिखने हैं, लेकिन क्वेश्चन वन टू और थ्री आपको कंपलसरी सॉल्व करना है। और ये जो पोएम है, ये पोएम एज यूजुअल दो बार जोर से पढ़नी है और एक बार इसको लिखना है, पोएम जैसी है वैसी पोएम आपको एक बार लिखनी है। ये थी अपनी आज की पोएम दोन दिवस, जिसके कवि थे नारायण सुर्वे, करुण रस में भरी हुई ये पोएम है। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू स्टूडेंट्स, टेक केयर।
ध्रुव सर, हेलो 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 ध्रुव सर, हेलो हेलो यस सर डन।